लॉकडाउन में टली शादी तो 80 किलोमीटर पैदल चलकर धूले के गांव पहुंची दुल्हन, मंदिर में लिए फेरे। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में शादी बार बार टाल दी जा रही थी। 4 मई को तय शादी को पहले लॉकडाउन के कारण बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। शादी एक बार फिर टलने की बात चल ही रही थी कि दुल्हन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। कानपुर देहात के मंगलपुर की रहने वाली 19 साल की गोल्डी लगातार 12 घंटे पैदल चलकर दूल्हे वीरेंद्र कुमार राठौर के गांव कन्नौज के बैसपुर पहुंच गई। दूल्हे के परिजन अचानक से दुल्हन को देखकर चौंक गए। उन्होंने फिर भी उसका स्वागत किया और उसके परिजन से बात की। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दूल्हे के गाँव के एक मंदिर में विधि विधान से गोल्डी और वीरेंद्र की शादी करा दी गई। गांव वालों ने भी दोनों की शादी का समर्थन किया और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा। बेकार पड़ी 60% आइसोलेशन भोगी, श्रमिक स्पेशल में जुड़कर दौड़ेंगी। कोरोना मरीजों के लिए रेलवे ने किया था तैयार। रेलवे ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए तैयार की गई 5,200 आइसोलेशन बोगियों में से 60% को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जोड़कर उन्हें चलाने का निर्णय लिया है। इन गैर वातानुकूलित बोगियों को सामान्य बोगियों में तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें इनके मौजूदा रूप में ही सेवाओं में लिया जाएगा। मुंबई के बस स्टेशन से निकली थी श्रमिक ट्रेन को यूपी जाना था, लेकिन ट्रेन पहुंची उड़ीसा। मुंबई से गोरखपुर रवाना हुई एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के साथ हुआ। ट्रेन को कहा तो पहुंचना था गोरखपुर, लेकिन ये पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला। यानी मुंबई से रवाना हुई बसई रोड गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों के लिए अपनों के पास पहुंचने का इंतज़ार लंबा हो गया। 21 मई को मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई इस ट्रेन को शॉर्टेस्ट रूट से गुजरना था, लेकिन रेलवे ने इसका रूट बदलकर काफ़ी लंबा कर दिया और ये ट्रेन 8 राज्यों का चक्कर काटकर उड़ीसा के राउरकेला पहुँच गई। उड़ीसा लेदर होने के बाद रेलवे ने कहा कि भारी ट्रैफिक कारण ये बदलाव किया गया था। भारत में कोरोना के कुल मामलों में 60% तो सिर्फ 5 शहरों से। देश के 5 प्रमुख शहरों पर कोरोना की मार सबसे ज़्यादा पड़ी है। आलम यह है कि देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के जितने मामलों की पुष्टि हुई है उनमें से आधे से ज़्यादा केस 60% इन्हीं 5 शहरों के हैं। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और थाने। 2 व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर अलार्म बजने लगेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए छर्रा निवासी बीटेक के छात्र ने सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म तैयार किया है। 2 व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर यह अलार्म बजने लगेगा। इस यंत्र को लोग गले में आईडी कार्ड की तरह भी पहन सकेंगे। 1 मीटर से कम दूरी पर दूसरे व्यक्ति के आते ही अलार्म तब तक बजेगा जब तक दूसरा व्यक्ति दूर नहीं हो जाता। उपयुक्त उद्योग केंद्र को यह सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म पसंद आया है और उन्होंने इसकी एक वीडियो भी ले ली है ताकि उसे तकनीकी मंजूरी के लिए आगे भेजा जा सके। ज्यादा बिल की शिकायत पर बिजली विभाग का जवाब, बिल में छूट पाना है तो बीजेपी को हटाओ। यदि आपको बिजली बिल पर छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस लाना है, ऐसा मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। जी हाँ, अगर मालवा में ज़्यादा बिल आने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने पर उपभोक्ता को ऐसा ही मैसेज आया। आने वाले समय में अगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, ऐसे में सरकारी विभाग से इस तरह के मैसेज ने अफसरों को फौरन हरकत में ला दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पहली बार अलविदा की नमाज पर जामा मस्जिद में सन्नाटा, देख रो पड़े शाही इमाम। दरअसल शुक्रवार को अलविदा की नमाज में जामा मस्जिद का स्टाफ और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के परिवार के कुछ सदस्य शामिल हुए। सैयद अहमद बुखारी जब अलविदा जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कभी जहां हजारों नमाजी हुआ करते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरी तरह बदल जाएगा क्रिकेट, लागू होंगे कई नए नियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के दिशा निर्देशों के मुताबिक खिलाड़ी अपने निजी सामान जैसे कैप, तौलिया, सनग्लास, जंपर्स आदि एम्पायर या साथियों को नहीं सौंप सकते और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि खिलाड़ियों का सामान कौन रखेगा। यही नहीं, एम्पायरों को भी गेंद को पकड़ते समय दस्तानों का उपयोग करना होगा। खिलाड़ी अपनी कैप और धूप के चश्मों को मैदान पर नहीं रख सकते क्योंकि इससे पेनल्टी रन जा सकते हैं, जैसे कि हेलमेट के मामले में होता है। ICC पहले ही गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध की सिफारिश कर चुकी है और अब खिलाड़ियों को गेंद छूने के बाद आंखें, नाक और मुंह स्पर्श नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गेंद के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ साफ करने के लिए कहा गया है।
प्रैक्टिस के दौरान भी खिलाड़ियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। जॉब कोरोना लॉकडाउन के बीच अमेज़न ने की 50,000 लोगों को भारत में नौकरी देने की घोषणा। अमेज़न इंडिया ने शुक्रवार को अपनी सेवा पर निर्भर लोगों की बढ़ती मांग के मद्देनज़र उसकी पूर्ति करने के लिए ज़रूरत के आधार पर करीब 50,000 नियुक्तियों सीजनल रोल्स की घोषणा की है। ये नियुक्तियां खासकर उन लोगों के लिए हैं जो भीड़ में जाने के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। 230 ट्रेनों के लिए रेलवे काउंटर, पोस्ट ऑफिस और पोर्टल से भी मिलेंगे टिकट। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 230 ट्रेनों में सभी श्रेणियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन स्टेशनों के काउंटर, डाकखानों, यात्री सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर और IRCTC के अधिकृत एजेंटों के जरिए शुरू की गई है। रेलवे ने कहा है कि इन 230 ट्रेनों को चलाने से उन प्रवासियों को भी मदद मिलेगी जो किसी कारण श्रमिक विशेष ट्रेनों की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। इस बात की कोशिश की जाएगी कि प्रवासी जहां पर हैं वो वहीं नज़दीक के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हो सकें।